नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। हर बार की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, देखी रात अनोखी वर्षा, सारा नगर नहाया, पानी पूरा शुद्ध था पर पीकर कोई ना आया। आप समझिए इस पहेली को, तब तक हम रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। और हमारी आज की पहेली जुड़ी है गिनती में उलझाते खंभों और दरवाजों से, जहां जाकर हर इंसान अपनी गिनती भूल जाता है। अगर हम आपको 84 तक की गिनती गिनने के लिए कहें तो आप कहेंगे कि भला इसमें क्या मुश्किल है, ये तो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। लेकिन अगर आप हर बार 84 तक की संख्या को गलत गिने तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये पहेली है एक ऐसी इमारत की जिसमें कुल 84 खंभों का दावा किया जाता है, लेकिन जब भी कोई इन खंभों को गिनने की कोशिश करता है तो कभी ये गिनती 80 होती है, कभी 65, कभी 78, लेकिन 84 तक की गिनती कभी पूरी नहीं होती। इसे सुलझाने की कोशिश में कई लोगों का माथा चकरा जाता है, लेकिन आज तक कोई भी इस इमारत के खंभों को सही नहीं गिन पाया। आखिर ये इमारत की कैसी भूल भलैया है जिसने इसे एक पहेली बना दिया है। ये पहेली है एक इमारत के द्वार में छिपी भूल भुलैया की। ये पहेली है एक इमारत के मेहराबों में बने 84 गुंबदों की, जिसकी सही गिनती आज तक कोई नहीं कर सका। आखिर इस इमारत में कैसा माया जाल छिपा है जो यहाँ आकर गणना करने वालों को भटका देता है, उनको भ्रमित कर देता है। आखिर जब विज्ञान बड़ी से बड़ी गणनाएं चुटकी में हल कर लेता है तो फिर इस मकबरे की 84 तक की गिनती तक कोई भी क्यों नहीं पहुंच पाता। ये आज भी एक पहेली है। आखिर इस इमारत में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिससे आज तक दुनिया अनजान है। इस इमारत से कई किस्से जुड़े हुए हैं। कोई कहता है कि इस मकबरे में रूहानी ताकतों का डेरा है, तो कोई कहता है कि इस इमारत को एक रात में बनाने की कोशिश जिन्नों ने की थी, लेकिन सुबह हो जाने के कारण इसका मुख्य गुंबद नहीं बन सका। बाद में जब भी इसका गुंबद बनाने की कोशिश की गई वो जमींदोज हो जाता था, बिखर जाता था। हमने इससे पहले भी आपको पहेली में राजस्थान के कामा या काम वन में बनी एक मंदिर के 84 खंभों की पहेली दिखाई थी। उसमें हमने रियलिटी टेस्ट भी किया था, जहां जाकर हर कोई 84 खंभों की भूल भुलैया में उलझ जाता है। वहां हम भी 84 तक की गिनती पूरी नहीं कर सके थे। कुछ ऐसी ही हैरतअंगेज पहेली छिपी है इस मकबरे में। यहाँ 84 गुंबदों में ना जाने कैसी भूल भुलैया छिपी है जिसे समझना किसी के भी बस की बात नहीं है। आखिर ये वास्तु शास्त्र का कोई गुप्त ज्ञान है या फिर वास्तु शिल्पी का कमाल जिसने यहाँ आने वाले हर शख्स को खंभे की गिनती में उलझा कर रखा है।
सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जब इस इमारत में सिर्फ 84 खंभे ही हैं, तो किसी की भी गिनती 84 तक क्यों नहीं पहुंच पाती। क्या वाकई में यहाँ 84 खंभे होंगे या फिर ये कोई भुलावा है। इसी पहेली को पड़ताल में गुड न्यूज टुडे की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश के जालौन के कालपी का। यहाँ मिलता है बादशाह लोदी शाह का मकबरा। रास्ता सीधा था और मंजिल भी दूर नहीं थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उस रहस्यमयी इमारत में ऐसा क्या था कि कोई भी इस इमारत के दरवाजों में 84 तक की गिनती नहीं कर पाता। सवाल ये भी था कि क्या वाकई वहां पर 84 खंभे या दरवाजे छिपे हैं या ये एक महज मनगढ़ंत बात है। जब हमने 84 गुंबद वाली इमारत में कदम रखा तो हमें पूरी इमारत लाल रंग के पत्थर की बनी नजर आ रही थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी कुछ इसी तरह का नजर आता है, लेकिन इस इमारत की पहेली से सामना होना भी बाकी था। दिमाग के तारों का झनझनाना बाकी था। क्योंकि अब हमारे सामने आने वाला था गिनती का गड़बड़ झाला। एक ऐसी हकीकत जिसने इस इमारत को दुनिया की नजर में नायाब बना दिया, एक पहेली बना दिया। कहते हैं कि उस इमारत में कुल 84 दरवाजे और खंभे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कभी भी गिन नहीं पाता। अगर वाकई में इस मंदिर में सिर्फ 84 खंभे हैं, तो आज तक इस इमारत के खंभों को कोई भी सही क्यों नहीं गिन पाया। क्या इस इमारत की बनावट ऐसी है कि लोग माया जाल में फंस जाते हैं, यहाँ जो भी आता है भूल भुलैया में उलझ जाता है, एक तिलस में फंस जाता है, भ्रम के जाल में उलझकर गलत गिनती कर बैठता है। हम यमुना के किनारे बसे शहर कालपी पहुंच चुके थे, जो झांसी और कानपुर के बीच बसा है। कालपी, जहां पहले स्वतंत्रता समर में रानी लक्ष्मीबाई ने रण कौशल दिखाया था, उसी कालपी में अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल के जन्म की भी मान्यता है। इसी कालपी से जुड़ा है लोधी वंश का पतन और मुगलों का उत्थान। कहते हैं कि 10वीं-11वीं शताब्दी में यहाँ चंदेल राजवंश का शासन था। 12वीं शताब्दी में कालपी मोहम्मद गौरी के अधीन हो गया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के राजवंश ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी का कालपी के किले पर वर्चस्व रहा। 14वीं शताब्दी में यहाँ कुछ समय के लिए एक छोटी सियासत, एक छोटी रियासत कालपी सल्तनत का शासन रहा। लोदी काल के समय में जौनपुर के सरकी वंश और लोदी वंश के समय बहुत संघर्ष होता रहता था। कालपी इसके मध्य में पड़ता था, तो सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। इस कारण एक और युद्ध होते रहते थे, उसमें यहाँ पे सुल्तान शाह लोदी ने एक युद्ध में बहुत वीरतापूर्वक कार्य किया था, जिसकी स्मृति में 84 गुंबद का निर्माण किया गया था। इसी कालपी में बनी है 15-16वीं शताब्दी की अनोखी इमारत, जिसे 84 गुंबद के खिताब से नवाजा जाता है।
और इसी इमारत में होता है गिनतियों का अजूबा, जिसे देखने देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस नायाब इमारत में छिपे 84 गुम्बदों की गुत्थी को तो हम समझने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर मुगल शैली की तरह दिखती इस इमारत का वास्ता है किससे। कहते हैं कि लोदी वंश का शक्तिशाली राजा था इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हरा दिया और बाद में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। उस दौरान दिल्ली में सल्तनत की अधीन लोदी साम्राज्य की कई रियासतें हुआ करती थी, उन्हीं में से एक रियासत थी कालपी। कालपी एक अत्यंत प्राचीन नगरी है और प्राचीन काल से एक सांस्कृतिक रूप से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ 6वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध सूर्य मंदिर निर्मित था और मध्यकाल में विशेषकर लोदी काल में लोदी वंश की स्थापना बैलोर लोदी ने 1451 में की थी। उनके समय कालपी एक उनके साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये 84 गुंबद का निर्माण हुआ था। कहते हैं कालपी पर हुकूमत लोदी शाह की थी। ये लोदी शाह कौन थे और उनका यहाँ पर मकबरा क्यों बनाया गया, इसको लेकर इतिहास में कोई पुख्ता और सटीक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन दावा किया जाता है कि इस इमारत में बना मकबरा महमूद लोदी शाह का और उनके अंगरक्षक भिश्ती का है। 84 गुंबद के में जो दो मजार हैं, एक तो बादशाह का है मोहम्मद खान का और उसके बगल में कोई अमीर हैं और उनके पांती जो दो तीन कब्रें हैं वो उनके साथी जगन साथी फकीरों के सिलसिले में वो है। कुछ लोगों का मानना है कि ये दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खान की कब्र है। जलाल खान ने कुछ समय के लिए कालपी पर शासन किया था और माना जाता है कि उनकी मौत के बाद उन्हें इस मकबरे में दफना दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जो ह्वेनसांग चीनी यात्री जब ह्वेनसांग भारत आया था तो उसके समय कालपी में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, उसके अवशेषों पर 84 गुम्बद के मकबरे का निर्माण हुआ। तो पहले का तो कोई उत्खनन तो हुआ नहीं कि वहाँ मठ था, पर वर्तमान में जो 84 गुम्बद बना है तो वो पूर्णतया लोदी काल का निर्मित है। इसकी वास्तुकला को देखकर ये कहा जा सकता है कि मकबरा लोदी काल का ही होगा। इस इमारत से अविश्वसनीय दावे जुड़े हुए हैं। किंवदंती है कि इस इमारत को इंसान ने नहीं बल्कि एक रात में जिन्नातों ने बनवाया था। कहते हैं सुबह हो जाने के कारण इसका अंतिम गुंबद नहीं बनाया जा सका। दावा किया जाता है कि बाद में यहाँ पर कई बार गुंबद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। और आज भी इस इमारत में दो मकबरे बने हुए हैं, जिसके ऊपर नीला आसमान है यानी खुली छत, और बाद में इसी घटना को लोगों ने रूहानी ताकतों से जोड़ दिया। आज भी इमारत एएसआई के अधीन है। इस इमारत के बाहर जो सरकारी बोर्ड लगा है उसमें साफ लिखा है ये कब्र लोदी बादशाह की है, जो सिकंदर लोदी के वजीर थे। कहते हैं कालपी में ही एक युद्ध के दौरान महमूद लोदी की मौत हो गई। मोहम्मद खान ने बनवाया है क्योंकि वो यहाँ का गवर्नर था और महोबा तक वो सरकार अपनी स्टेट को देखता था, और जब वो मर गया खत्म हो गया तो 84 गुंबद उसी की यादगार में ऐसे मकबरा बनाया गया याददाश्त के लिए।
अब सवाल ये उठता है कि दूसरी खबर किसकी है। तो जब हमने इतिहास को खंगाला तो हमें पता चला कि ये जो दूसरी कब्र है वो भिश्ती की है, जिन्हें महमूद लोदी का अंगरक्षक कहा जाता था। कहते हैं कि युद्ध में भिश्ती ने महमूद लोदी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए बगल में भिश्ती की कब्र बनाई गई। 84 गुम्बद में 3 कब्रें हैं, जिसमें एक सुल्तान शाह लोदी की है, दूसरी कब्र एक अमीर की है जो दिल्ली की तरफ से यहाँ पे भेजा गया था, और जो तीसरी कब्र है एक भिश्ती की है, जिसने युद्ध में जो यहाँ के शासक थे उनकी बहुत मदद की थी। भिश्ती को वचन दिया था कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो अपनी कब्र के पास हम तुम्हारी भी कब्र बनवाएंगे। लोग मानते हैं कि यहाँ कोई ऐसी अनजानी ताकत है जिसकी वजह से यहाँ आकर लोग गिनती भूल जाते हैं, और यही कारण है कि कोई भी उन दरवाजों के ऊपर बनी मेहराब नुमा गुंबदों को गिन नहीं पाता है। एक कोशिश हम भी करके देखेंगे, क्या हम इस इमारत के खंभों, दरवाजों और गुंबदों को गिन पाएंगे, या फिर हम भी दूसरे लोगों की तरह यहाँ की दुनिया में फंस कर रह जाएंगे। आखिर इस इमारत के खंभों और दरवाजों को कोई गिन क्यों नहीं पाता? आप चाहे कहीं से भी अपनी गिनती शुरू कर लें, पता ही नहीं चलता कि गिनती कहां से शुरू हुई थी और कहां खत्म होगी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। गिनती शुरू करने से पहले हमने इस इमारत का बारीकी से मुआयना किया। हमें इमारत शतरंज की पिसात पर खड़ी नजर आ रही थी, और कहा भी जाता है कि इसे शतरंज के खानों की तर्ज पर ही बनाया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि शतरंज में 64 खाने होते हैं और इस इमारत में 84। यहाँ 64 की जगह 84 खाने हैं, और हर खाने में 4 पिलर बने हैं, और हर पिलर में चारों तरफ से 4 दरवाजे हैं। दरअसल यहाँ पर जो बात 84 गुम्बद की होती है वो गुम्बद नहीं है, ये जो उनके दरवाजे पर बनी मेहराबें आप देख रहे हैं, उन्हीं दरवाजों पर बनी मेहराबों को 84 गुम्बद माना जाता है। यहाँ पर हमें खंभे नहीं बल्कि यहाँ के द्वार पर बनी मेहराबों को गिनना है। कहते हैं कि इन्हीं मेहराबों की संख्या यहाँ पर 84 है, जिसके कारण इसका नाम 84 गुम्बद पड़ गया। हमने इन दरवाजों की गिनती शुरू की। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। और करते करते हम किसी एक अंक पर नहीं रुक रहे थे, हर बार हमारी गिनती गड़बड़ा जाती है। 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50, कभी 40 तो कभी 55, कभी 70, 35, 36, 37, 38, 39 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। यानी हर बार की गिनती एक नई गणना हमारे सामने आ रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस जगह पर ये क्या हो रहा है। किसी एक छोर को पकड़कर शुरू करने पर भी हम सही गणना नहीं कर पा रहे थे। लाख कोशिशों के बाद भी हम इस इमारत के दरवाजों को गिन नहीं पा रहे थे। क्या वाकई में यहाँ कोई तिलिस्म था, या इसे बनाने वाले की जादूगरी जो यहाँ आने वाले शख्स को अपनी आगोश में ले लेता है, अपनी विशिष्ट शैली से भ्रमित कर देता है। जालौन के कालपी से अलीम सिद्दकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। कोई
नहीं जानता कि कभी किसी ने कालपी के 84 गुंबदों का सटीक अनुमान लगाया भी है या नहीं, उसे गिना भी है या नहीं, या फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चला आ रहा है अफवाहों का दौर। लेकिन कालपी के 84 गुंबदों वाली इमारत अपने वास्तुशिल्प से लोगों को लुभाती जरूर है, सही गिनती तक पहुंचने के रोमांच से रूबरू भी कराती है। तो तीना, ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। तो हमारी पहेली थी, देखी रात अनोखी वर्षा, सारा नगर नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पीकर कोई ना आया। तो इसका उत्तर है ओस। तो आज की इस पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।